तो गाइस यार आपका फिर से एक नई वीडियो के अंदर स्वागत है। तो गाइस यार आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जो पबजी मोबाइल होता है वो जो लैग करता है उसको यार आप वो जो प्रॉब्लम होती है उसको आप जो है कैसे सही कर सकते हैं। तो गाइस यार आपने यार काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी होगी पबजी मोबाइल लैग फिक्स वगैरह वगैरह काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी होगी यार। तो मुझे नहीं लगता यार आपको कुछ फ़र्क मिला होगा। मिला होगा तो यार कई ट्रिक से मिला भी होगा, मैं मना नहीं कर रहा, बट यार कई कई ओर से फर्क नहीं भी मिलता। तो गाइस यार आज जो मैं यार आपको बताऊंगा यार अगर आप इसको सही तरीके से अपने पबजी मोबाइल के अंदर कर लेते हो तो यार इतनी मैं गारंटी लेता हूँ यार कि आपका जो पबजी मोबाइल है ना यार पहले से तो काफ़ी जो है स्मूथ चलेगा और लैग नहीं करेगा। तो गाइस यार वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। और गाइस यार आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, आप जो इस वीडियो को एंड तक देखना, पूरा कंप्लीटली देखना, तभी जो यार आपको ये चीज़ समझ आएगी। और यार फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा नहीं लगता तो कुछ भी डिसलाइक वगैरह कर देना, बट यार इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना। तो गाइस यार होता है क्या यार पबजी मोबाइल लैग करता है, तो देख गाइस इसके लिए यार मैं आपको सबसे पहले मैं इस वीडियो को लास्ट में एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा तो यार उसको मिस मत करना। तो गाइस सबसे पहले यार आप जैसे ही अपना पबजी मोबाइल ऑन करो ना तो उससे पहले यार आप क्या करा करो, अपना जो मोबाइल है ना उसको रिबूट कर लिया करो, हो सके तो रिबूट कर लिया करो। उससे क्या होता है जो आपकी जो एप्स वगैरह चलते रहते हैं रनिंग वगैरह वो जो है बंद हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है अपनी, ठीक है। और गाइस यार अपनी सेकंड चीज़ यार ये आती है, जैसे मान लो आपका कोई भी मोबाइल है यार, क्योंकि कम रैम वाले जो मोबाइल होते हैं यार उनके अंदर जो है आपको ज़्यादा दिक्कत फेस करने को मिलती है लैग वाली। मेरे साथ भी यार बहुत दिक्कत होती है यार, अपन जब भी पबजी मोबाइल खेलते हैं लैग हो जाता है, जब भी अपन पबजी मोबाइल खेलते हैं लैग हो जाता है। उससे क्या होता है यार अपन को चिकन डिनर ही नहीं मिल पाता और आउट हो जाते हैं, अपन कभी फायरिंग करते हैं उसमें लैग हो जाता है, तो यार बहुत ही जो है प्रॉब्लम आती है। तो आपको जो है सबसे पहले इसको रिबूट कर लेना। एंड सेकंड चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो यार आपका कोई सा भी फोन है तो उसके अंदर यार कोई भी मान लो जो आपका मोबाइल का कोई भी मोबाइल का होना चाहिए एंटीवायरस वगैरह, मतलब जो वायरस वगैरह हटाता है मोबाइल का होना चाहिए यार, कोई ऐसे नहीं अभी मतलब मैं तो मोबाइल के बारे में बता रहा हूँ, तो मोबाइल का कोई भी हो तो उससे आप जो है क्लीन कर लिया करो। सेकंड चीज़ अपनी ये हो गई, ठीक है। और यार फ्रेंड्स एक चीज़ और चेक कर लेना, आप जब भी पबजी मोबाइल खेलो तो यार कोई भी जो एप्स होता है ना बैकग्राउंड में रनिंग नहीं करे, क्योंकि यार उससे क्या होता है आपका जो डेटा जो लगता रहता है, ठीक है, डेटा लगता रहता है और जो आपका प्रोसेसर होता है वो वर्क करता रहता है उन एप्स में जो रन करते रहते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है आपका पबजी मोबाइल आप जब भी खेलते हो तो मोबाइल जो हीटिंग आती है, हीटिंग होती है तो पबजी मोबाइल जो लैग होने लगता है। तो ये चीज़ आप पहले चेक कर लेना और कोई भी जो एप्स है बैकग्राउंड में रन नहीं करे, ठीक है। सेकेंड चीज़ अपनी ये हो गई। एंड गाइस अपनी आती है थर्ड चीज़ यार, सबसे मेन चीज़ ये थर्ड चीज़, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मैं बता दिया बैकग्राउंड में कोई एप्स वगैरह रन नहीं कर रहे। एंड थर्ड चीज़ अपनी आती है अपने मोबाइल की स्पीड। गाइस यार आप मानोगे नहीं यार, स्पीड यार बहुत ज़्यादा जो है मैटर करती है अपने पबजी मोबाइल के लिए। अगर मान लो कम स्पीड आती है तो आपका जो पबजी है मतलब जो रन करता करता एकदम जैसे रुक सा जाता है, तो उसकी वजह से क्या लैग होने लगता है। तो यार आपके अगर मोबाइल की स्पीड मतलब जो डाटा है आपका इंटरनेट, अगर आपकी स्पीड नहीं आ पा रही, अगर इंटरनेट आपका स्लो चल रहा है, तो यार आप जो है मैंने इस टॉपिक के ऊपर यार वीडियोस बना रखी है, तो मैं उन वीडियोस को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में भी दे दूंगा, जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है, अगर आपके मोबाइल इंटरनेट की जो है स्पीड कम आ रही है, ठीक है। एंड अपनी जो फोर्थ चीज़ है सबसे मेन चीज़ है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, ठीक है, आपको जो है अपना जो स्टोरेज होता है आपको उसके अंदर जाना है, ठीक है। आप ढंग से देखना ये चीज़ जो है सबसे मेन है, और यार अगर इसको आप कर ले तो ढंग से मैं जैसे जैसे बताता हूँ यार तो इतनी मेरी गारंटी यार आपका जो पहले से जो है पबजी मोबाइल काफ़ी स्मूथली चलेगा और जो है लैग करना बंद कर देगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा आप ढंग से देखना, ठीक है। तो इसके बाद जो अपन को एंड्रॉयड वाले जो आता है फंक्शन इसके अंदर आपको जाना है, ठीक है। इसके अंदर आपको जाने के बाद अपने यहाँ पर आता है डाटा वाला ऑप्शन, ठीक है, ढंग से देखना। डाटा वाले के अंदर जाने के बाद इसके अंदर एक पबजी की जो फाइल होती है, पबजी की फाइल है, तो ये वाली आती है यहाँ पर, ये कॉम नाम से com.tn/i वाली, ठीक है। ये फाइल पर आपको क्लिक कर देना है सिंपली, ठीक है। इस पे ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जो ये फाइल्स आती है यहाँ पर, फाइल्स पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है।
तो गाइस यार इसके बाद जो आपको ये आता है UE4 गेम, ठीक है ध्यान से अब देखना, यही वाले पे क्लिक करना और कुछ को भी मत छेड़ना नहीं यार, जो आपका पबजी मोबाइल है ना यार वो खराब सा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो UE4 गेम पर क्लिक कर देना, ठीक है। इसके बाद जो अपना आता है शेडो ट्रेकर एक्स्ट्रा, ठीक है आपको जो इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड इसके बाद में अपनों को नीचे नीचे देखने को मिलता है जो फोर्थ वाली फाइल है अपनी शेडो ट्रेक एक्स्ट्रा, ठीक है आपको जो इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। एंड अब जो अपना आता है मेन का, यहाँ पर आता है अपना, एक तो आता है कॉन्टेक्ट, एक आता है सेव्ड, तो सेव्ड पे आपको जो क्लिक कर देना, ठीक है। अब इसके अंदर जो अपना आता है इमेज डाउनलोड, ये देखना आप ध्यान से, इमेज डाउनलोड, ठीक है। तो इमेज डाउनलोड में आपको जाने के बाद जो जितनी भी जो है ना इमेज वगैरह, ठीक है, तो आपको जो सारी सेलेक्ट करके डिलीट कर देनी, ठीक है आपको जो डिलीट कर देनी, मतलब जितनी भी है, जैसे इसकी डिलीट कर दी मैंने, इसके बाद ये नीचे वाला आता है इसकी जो, इसको थोड़ा करके डिलीट डिलीट कर देना। तो मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट कर देता हूँ यार, नहीं यार वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर यार, आप कमेंट करोगे यार वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, तो इसको थोड़ा मैं फास्ट करके डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है तो गाइस यार मैंने जो अपनी सारी जो इमेज वगैरह है सबको डिलीट कर दिया, ठीक है। तो आपको जो है इनमें जा जाकर आपको जो इमेज वगैरह जो है सारी डिलीट कर देनी, ठीक है। तो गाइस यार ये जो पॉइंट था सबसे मेन था। और यार एक चीज और ध्यान रखनी यार, अगर आपके मतलब जो इंटरनेट अगर स्पीड अगर अच्छी आएगी, ठीक है, और बैकग्राउंड में भी कोई एप्स जो है रन नहीं करेगा, तो आपका जो पबजी मोबाइल यार काफी जो है स्मूथली चलेगा। और मैंने ये ट्रिक बताई, अगर आप अपने फोन के अंदर ढंग से अप्लाई करते हो ना, तो इतनी गारंटी यार बढ़िया आपका पबजी मोबाइल चलने वाला है, ठीक है। तो गाइस यार ये जो मैंने चार बताई है आपको, इन चीजों का ध्यान रखना है आप ढंग से, ठीक है। और यार अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती तो नीचे मेरे को कमेंट कर देना यार, मैं सबके कमेंट जो है पढ़ने लग गया पढ़ता हूँ मतलब, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कोई भी दिक्कत आए, ठीक है। और यार अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स एंड टिप्स लाता रहता हूँ मैं अपने चैनल पर, सब्सक्राइब कर लो। और फ्रेंड्स यार अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट कर देना, उस टॉपिक पे मैं वीडियो आपको दे दूंगा, ठीक है। तो यार आई होप यार आपको ये समझ आ गया होगा, अच्छी लगी होगी वीडियो। तो मिलते हैं अपन ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।